सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हमने कौन सा क्राइम कर दिया। किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। बाप कसम, क्या इसका मैं यार, टोटा है मेरी जान, टोटा। मैडम जब हो जाता बॉम है यार, देखी मिर्ची ऊपर से नीचे तक आग लगा दे। ओए होए मेरी पिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार, चलती जवानी, फिगर है जाने माल, 36 उम्र में क्या रखा भाई, अरे अभी तो मैं जवान हूँ। अरे घर में एक माँ और दो बहने हैं, लेकिन अपने घर की माँ और बहनों को कोई छेड़ता है क्या? ना जी ना। और आज तो हम इससे छेड़ेंगे। हद होती है बदतमीजी की, इट्स टू मच। मैडम जी आप तो बुरा ही मानते हैं, भाई गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। अगर आप परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अच्छा हमने कौन सा अपराध कर दिया, और आप है भी तो इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों? मैडम है भी तो शकरगंज। शर्म ना आवे मस्करी करन में। छोरी आवा तो है, पर तरह देख के चली जावे है। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़ा लिखे के दिल के पत्थर के होते हैं। भाई मैडम जी ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी। एक मिनट मैडम, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते, वो कोई पेशेवर गुंडे या सजा याफ्ता अपराधी नहीं होते। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, हर जगह औरतों को ऐसी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उनका शरीर, जिसे टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उनको पैदा ही ना होने दिया जाए।